7 128 divided by 1 under root 1024 divided by under root 256 by 28 का मान होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने क्या करेंगे, 128 है, 128 ही रहेगा, हमको इसका वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। तो निकाले यहाँ पे दो दो का पेयर बना लें, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 हो गया, 10 में से 9 हो जाएगा कितना 1, और यहाँ पे 2 4 लिख दें और 3 3 ऐड कर दें 6 और 2 टाइम्स में ले जाए, ठीक। तो यहाँ 2 लिखे तो यहाँ पे भी 2 और 62 या 124 कट गया, 32 आ गया मेरा, ठीक है, डिवाइडेड बाय। और ये आपको पता है किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर 256, तो हम निकाल के देख लें, ठीक है। यहाँ पेपर है, यहाँ पे 1, ठीक है, दो में से क्या 1 और 5 और 6 को उतार दिए, 1 1 कितना हो गया 2, ठीक है। और यहाँ पे 6 बार लें, 6 लिखें और यहाँ पे भी 6, 36 में 6 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 6 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
ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, 128 32 डिवाइड हो रहा है, तो ये रिसीव प्रोसेस चेंज हो जाएगा, व्यतिक्रम 28 और 16 में, ठीक है। अब काटिए अगर कटा है तो 2 * 2 = 8, ठीक। ये कटा 2 * 2 = 12, ठीक। अभी भी कटा है 2 * 2 = 14, 2 * 3 = 16, ठीक है। इसको भी काट दें 128 और 16 को, 2 * 3 = 16, ठीक है। और फिर ये कितना कट गया, 2 * 2 = 12, 2 * 3 = 8, और फिर ये कट गया 8 * 2 = 64, 8, ठीक। 8 और 7 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर बचा क्या आपका 8, 8 * 7 = 56, 56 और 8, तो कट गया 8 * 7 = 56, आपका आंसर कितना आ गया 7, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, √424 + √271 + √324, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बाहर सॉल्व नहीं करेंगे, अंदर से 324 का पहले वर्गमूल निकाल लीजिए, फिर जो इसका जो वैल्यू आया उसमें ऐड कर दीजिए, फिर इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, फिर इसका जो वैल्यू है इसमें ऐड करके इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 324 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है, इनमें से लिख दिया कितना 2 2 और 4, ठीक है, जोड़ देंगे 2, ठीक है। और तो यहाँ पे लिखेंगे कितने बार में, 8 बार में, ठीक, 28 8 8 4 6 8 16 22, ठीक, 224, ये 18 आ गया आपका, 424 + √271 में हम ऐड कितना कर रहे हैं, 18, ठीक, 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा इसमें, तो हो जाएगा 8 1 9, ठीक है, 7 और 1, कितना हो जाएगा 8 और ये 2, ठीक। तो इसका भी आपको स्क्वायर पता ही है, इसको आप निकाल लेंगे, तो ये किसका है स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर 289, ठीक, और ये 18 का स्क्वायर 324, लर्न रहेगा फटाफट निकलेगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे 424, ये हो गया 17, ठीक। अब इसको ऐड कर दीजिए 424 में 17, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 1 हासिल लगा 1, ठीक, 2 3 4, ठीक, और यहाँ पे 4, अब क्या बचा √441, ये भी स्क्वायर है, तो इसको अगर 20 का स्क्वायर हम देखें कितना होता है 400, ठीक, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो हम डायरेक्ट लिख दिए कितना 21 आंसर हो जाएगा, आप इसको निकाल लेंगे।